गोंडा से। गोंडा जनपद विगत दो वर्ष पूर्व थाना तरवंजगंज क्षेत्र में एक युवक की जनघन हत्या करने की सनसनीखेज घटना घटित हुई थी, जिसके संबंध में थाना तरवंजगंज में अभियोग पंजीकृत किया गया था। तब घटना में संलिप्त तीन सह अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल में भेज दिया गया था, परंतु घटना का मास्टरमाइंड भारत सिंह अभी तक फरार चल रहा है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस द्वारा धारा 82 से 83 CRPC की कार्रवाई भी की जा चुकी थी तथा अभियुक्त मरफूर भी घोषित किया गया था। पुलिस अधीक्षक गौणा संतोष मिश्रा ने प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए प्रभारी निरीक्षक तरवनगंज को लंबे समय से फरार चल रहे वांछित नामी अभियुक्त को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के कड़े निर्देश दिए थे। साथ ही पुलिस अधीक्षक ने इस सनसनीखेज घटना का मास्टरमाइंड भारत सिंह की गिरफ्तारी के लिए 50,000 का इनाम भी घोषित किया था तथा अपर पुलिस अधीक्षक गोंडा शिवराज के पर्यवेक्षण में क्षेत्र अधिकारी तरवनगंज के नेतृत्व में टीमें बनाकर लगाई गई थी। पुलिस अधीक्षक गोंडा के दिए गए निर्देशों के क्रम में आज दिनांक 28 जून 2021 को प्रभारी निरीक्षक थाना तरवनगंज व वोट की संयुक्त टीम से बुकबीर खास की सूचना पर इनामिया अभियुक्त भारत सिंह पुत्र धनराज सिंह बनगांव डीहा थाना तरवनगंज जनपद गोंडा के साथ पुलिस मुठभेड़ हुई, जिसमें अभियुक्त घायल हुआ है। पूछताछ के दौरान अभियुक्त भारत सिंह ने बताया कि मृतक के उसकी पुरानी रंजिश चल रही थी तथा मृतक उसकी पत्नी को भी भगा ले गया था। इसी प्रतिशोध के चलते उसने अपने साथियों के साथ मिलकर विश्वनाथ सिंह की हत्या की थी। कई जगहों पे, कई जनपदों में दबिश चल रही थी। आज सुबह जनपद गोंडा में अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ जो अभियान चल रहा था, उसी के तहत आज 50,000 का इनामिया अभियुक्त, जो हिस्ट्री शीटर भी है और पिछले 2-2.5 साल से वांछित चल रहा था एक हत्या के मामले में, उसको पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। भारत सिंह पुत्र अवधराज सिंह, ये तरबगंज थाना क्षेत्र का रहने वाला है। इसके ऊपर करीब 20 के करीब इस पर मुकदमे हैं और 2019 में एक 302 हत्या के मामले में ये वांछित चल रहा था। इसकी 82, 83 और कुर्की की कार्रवाई हो चुकी थी, मफरूर घोषित था। तरबगंज थाने से ये हिस्ट्री शीटर है, लगातार ये पुलिस को चकमा देके घूम रहा था। इसी को गिरफ्तार करने के लिए थाना एवं स्वाट टीम लगाई गई थी। आज पुलिस मुठभेड़ में इस 50,000 इनामिया अपराधी को पकड़ने में बड़ी सफलता हाथ लगी है। जनपद गोंडा में अन्य जैसे भी अपराधी है जो अपराध करते हैं और छिपे रहते हैं, उन सभी पे भी इस तरीके की कार्रवाई चलती रहेगी और इन सब को पकड़ के जेल भेजा जाएगा। सराहनीय कार्य करने वाली पुलिस टीम को 25,000 रुपए इनाम भी दिया जाएगा। सर कितने बजे मुठभेड़ हुई सर और क्या क्या सर बरामद किया गया? इसके ऊपर लगातार जो टीमें लगी हुई थी, कई दिनों से कई जगहों पे, कई जनपदों में दबिश चल रही थी। आज सुबह ये जो अपराधी है उससे मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में एक इल्लीगल वेपन वो बरामद हुआ है एवं इसके से जो पूछताछ किया गया है तो इसने बताया है कि इसने रंजिश के तहत जो व्यक्ति है उसकी हत्या की 2019 में और तब से ही लगातार फरार चल रहा था। और जनपद गोंडा में ऐसे जितने अपराधी हैं जो फरार चल रहे हैं या अपराध करते हैं, उन सभी पे अभियान चला के उनको जेल भेजा जाएगा। कोई घायल भी था? पुलिसकर्मी एक सिपाही है, उसको हल्की चोट आई है, इलाज उसका कराया। सर इसने क्या कुछ फायरिंग